तिरंगा फैलाओ भी और लोगों को भी प्रोत्साहन करो। ये जो तिरंगा यात्रा आज निकलेगी यहाँ से लेकर के पूरे शहर में घूमते हुए, वो आज सेक्टर 14 में समापन होगा, तो यही कहना है सबसे कि लगाओ अपने घर पे तिरंगा। ये अपने झंडे के प्रति आप ये समझो 66-67 साल तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से झंडे को फैलाने के लिए मना किया गया। इसके लिए तो आपके शहर के युवा को, नवीन जिंदल को आपको बधाई देनी पड़ेगी, उन्होंने सबको लड़ाई करके खुलवाया। तो अभी भी वो गुलामी की सोच है, उसको अगर थोड़ा धीरे धीरे और हट जाए, काफ़ी हट गई है, और हटे तो अच्छी बात है। देश के प्रति श्रद्धा प्रेम होना चाहिए और हमने तो बचपन से देखा है, इस धरती को तो खासकर वरदान है। और कुछ हो ना हो, शहर में तकलीफें भी हैं और हैं, लेकिन देश प्रेम की भावना में इस हार का कोई सानी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरे सामने आया नहीं ये सब, अगर कभी आएगा तो करवा देंगे, जरूर करवाएंगे, जरूर करवा देंगे। देखे जी, ये तो बात ये कोई पता लगे ना, जैसे मैंने आज आता है तो हम मदद करते हैं, चाहे वो थोड़े पैसे की मदद हो, चाहे कुछ और हो, वो तो कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूशन की मदद हो। आज जैसे हमने पिन न्यूज़ शुरू किया है, वो शायद आप लोगों के संज्ञान में नहीं आया, देश भर में कितने पिन कोड हैं, 17,000 करीब पिन कोड हैं, तो न्यूज़ के 17,000 चैनल शुरू करेंगे, कर रहे हैं एक एक करके, नाम ही उसका पिन न्यूज़ कर दिया, PINEWS। सर, आपका जो फाउंडेशन है इसमें ज़्यादा संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, महिलाएं भी जुड़े, युवा जुड़े हैं, हमारा फोकस ग्रुप जो है ना, हमारा फोकस महिला और युवा दो ही हैं। महिला गांव में क्या किसी भी समाज में, अगर महिला और युवा दोनों सशक्त हो जाएं, तो बाकी मेरे जैसे उम्र के लोगों की तो औकात क्या है, वो उनको लाइन पे लगना ही पड़ेगा, काम ठीक करना ही पड़ेगा। ये दो वर्ग जो हैं ये सही हो जाएं, युवाओं के उनकी आदतें छूट जाएं, ड्रग्स की और की नशे पते की, लेडीज अपने आप में सशक्त हो जाएं तो काम हो गया। सर, जैसे पहले मनोहर लाल खट्टर थे सीएम, अब नायब सैनी को बदल दिया गया, तो कैसे देखते हैं इस बदलाव को, राष्ट्र के दो तीन लोग? ये तो पॉलिटिक्स राजनीति है भाई, हर एक व्यक्ति अपने राजनीतिक में किस आदमी को लगाने से क्या लाभ मिल सकता है वो सोचती है हर पार्टी। उनको लगता है कि इससे उनको लाभ मिलेगा, मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं किया, मुझे तो सुनता नहीं हूँ। जो मैं न्यूज़ रूम में, जब जी न्यूज़ के रूम में बैठता हूँ और हरियाणा की बातें सुनता हूँ, तो उससे मुझे कोई संज्ञान में नहीं आता, लोगों की शिकायतें ज़्यादा आती और लोग अभी तो कह रहे हैं कि हाँ, आप सुपर मुख्यमंत्री कह सकते हो, आप कह सकते हो, मैं तो नहीं कह सकता। सर, जहाज उड़ाने की बात हो रही है लेकिन गाड़ियां गटर के पानी में फंस रही है, जो सीवेज व्यवस्था है उसका इन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बाकी हम अपने कुछ सोचेंगे, आज आप लोगों ने बताया ये ट्रैफिक की और ये सीवर वाली दोनों बातें, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के कुछ करेंगे, देखते हैं, विचार करते हैं।
क्या कर सकते हैं, और आदमी ठान ले तो क्या कुछ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ होगा, और करेंगे, हम तो करेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। धन्यवाद।